बैटल रॉयल गेमिंग के स्टेट्स आप देखते तो इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया सेकंड नंबर पर है इस टाइप्स के गेम्स को खेलने के मामले में। और अगर उसका सिंगल स्टेट्स हम देखें तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट डाउनलोडेड में साल के पिछले क्वार्टर में यानी कि इस साल के पहले 3 महीने में जो सबसे ज़्यादा बैटल रॉयल गेम है वो है गरेना फ्री फायर। फिर आता है सेकंड नंबर पर पबजी और थर्ड नंबर पर है COD। और क्या आपको ये पता है कि ये जो फ्री फायर गेम है इसको सबसे ज़्यादा किस कंट्री में खेला जाता है? तो आपको बता देते हैं कि इसको सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, वियतनाम और इंडिया में खेला जाता है। और क्या आपको ये पता है कि साल 2020 में अगस्त सितंबर के टाइम में फ्री फायर का जो एक्टिव प्लेयर्स था वो सबसे हाईएस्ट पीक पर था। उस टाइम 100 मिलियन ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स को टच किया हुआ था जो कि किसी भी और कंपटीटर से ज्यादा है, जैसे उस टाइम का पबजी और बाकी फेमस गेम्स। क्या आपको पता है कि फ्री फायर को गरेना ने नहीं बनाया, एक्चुअली वियतनाम की एक छोटी सी कंपनी 111 Studio नाम की कंपनी ने इस गेम को डेवलप किया था। बाद में गरेना ने इसे फंड किया था इस चीज को देखते हुए कि ये बहुत अच्छा गेम है और काफी आगे जा सकता, और ऐसे इसका नाम पड़ा गरेना फ्री फायर। और ये जो अभी आप अपने स्क्रीन पर पिक देख रहे हो वो अभी का इनका हेडक्वार्टर है, गरेना फ्री फायर का एक्चुअल हेडक्वार्टर। फॉरेस्ट ली ये एक्चुअल गरेना फ्री फायर के मालिक है और इनका करीब 45% हिस्सा है गरेना में। मतलब अभी जो इतना सक्सेसफुल हुआ है फ्री फायर उसके पीछे आप इन्हीं का हाथ मान सकते। और अगर कमाई की बात करें तो थाईलैंड टॉप कंट्री है जो कि फ्री फायर से सबसे ज्यादा कमाया है। मैन इसके टूर्नामेंट के थ्रू इनको इनके जो प्लेयर्स मैन इसके टूर्नामेंट के थ्रू इनके जो प्लेयर्स की जो अर्निंग होती है ना उसकी बात हो रही है। सेकंड नंबर पर आता है ब्राजील जो कि करीब $2.5 लाख तक कमाया है। भारत की बात करें तो वो सिर्फ $16,000 है। और भारत में गरेना कंपनी बहुत सारे टूर्नामेंट रखने का प्लान कर रही थी लेकिन वो सारे प्लान अभी डिले हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। भारत के इंटरेस्ट को देखते हुए शायद अर्निंग्स के मामले में भी भारत इस लिस्ट में टॉप पर आ जाए। तो ये थी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स फ्री फायर के बारे में। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।